सबसे पहले मैं चोली कट करूँगी। उसके लिए मैंने 4 इंच की लंबाई ली है और 2 इंच की चौड़ाई ली है। इस पर मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ऊपर भी मैंने 2 इंच पे निशान लगाया। इसको जॉइंट करके इसको मैं कट कर लूँगी। अगर आपके कृष्ण भगवान बड़े हैं तो आप उस हिसाब से नाप ले सकते हैं। नीचे मैंने 10 इंच की नाप ली और उस पर कट कर लिया। इस पर हम नीचे प्लेट्स देंगे इसलिए हमने इस पर ज़्यादा लिया हुआ है। इसको हम इस प्रकार से फिर ऐसे जॉइंट करेंगे। मेरे पास लेस थी तो मैंने लेस भी लगा ली। अगर आपके पास है तो अच्छा है, वरना आप ऐसे भी बना सकते हैं, बट लेस लगाने से सुंदर दिखता है। तो मैंने चारों ओर लेस लगा दिया है ऊपर पट्टी में। नीचे मैं प्लेट्स दे रही हूँ। आप प्लेट्स अपनी ऊपर की जो पट्टी होती है चोली की उस हिसाब से देंगे। अगर मैंने 4 इंच की पट्टी दी है, लेस ली थी, तो उस हिसाब से मैंने नीचे प्लेट्स भी दी हैं। और इसको हम इस तरीके से घुमाकर जॉइंट करेंगे। जो एक घुमावदार है वहाँ पर हमारा आस्तीन होता है, तो इसको हम एंड से एंड पे मिला के स्टिच करेंगे। उल्टा साइड ऊपर को होगा और जो सुलटा फ्रंट साइड सुलटा होता है उसको हम अंदर रखेंगे। इस दूसरे साइड को भी हम ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट चोली के हमने थोड़ा सा मिला के करना है, जैसे कि वील टाइप नेक आए। अब हमारी ड्रेस तैयार हो गई है, हम कृष्ण भगवान को पहना के देखते हैं। तो कृष्ण भगवान को पहना रही हूँ लेकिन ऐसे एडजस्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए मैं इनको बैठा के पहनाती हूँ। मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। तो अगर मेरे कृष्ण भगवान आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।